इसको तो जिंदा जला देना चाहिए इसी अग्निकुंड में जिसमें इनकी शादी हो रही है। इनके प्राणों की आहुति देंगे। बावली हो गई है, अपने पति को चलाएगी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज ये बड़े ना तो कुछ भी कर बैठूंगी। बेचारा छोरी, पागल मत बन। इस छोरे के लिए तू भाई साहब को मारेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया। तू अगर आया ना तो तेरे भाई साहब से पहले तुझे मार मारूंगी। अरे दिशा बेटी, क्या पागलपन है ये? वो पति है तेरा। छोरी पागल होगी के? बंद करिए तमाशा, फेंक इसे। बीच में मत बोलो। अरे यार छोरी, सच में पागल हो गई है। ना इसे अपनी परवाह, ना अपने परिवार वालों की परवाह। इसमें लोक लाज शर्म कुछ ना बचा। हाँ हाँ, नहीं है मुझ में शर्म। और किसकी शर्म करूं? आप लोगों की, जो मेरी मदद करने के जगह इस राक्षस के हवाले करना चाहते हैं मुझे। ये भोले बाबा का भक्त मुझसे शादी करके जहर का घूंट पिएगा? ये तो खुद जहरीला है। ये डसने वाला था मुझे, पर पूरब जी इन्होंने मेरी जान बचाई। क्या कह रहा था ये? शादी करके मेरी इज्जत बचाएगा? और ये तो मेरी इज्जत लूटने वाला था। पूरब जी नहीं होते तो आज मेरी नहीं, इस पूरे गांव की इज्जत लूट जाती। क्या बात कर रही है बेटी? संग्राम सिंह ने तेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। हाँ काकी, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये संग्राम सिंह के गुंडे पूरब जी से उनके पैसे छीन रहे थे, तब मैंने इनकी जान बचाई। ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए, भरे बाजार में मुझे घेर लिया। पर फिर पूरब जी आए, उन्होंने मुझे बचाया। वहां से जान बचा के भागे तो ये हमारे पीछे पीछे आने लगे, हम पे गोलियां बरसा रहे थे। तो इतने डर के हम मेरी स्कूल में जाकर चुप गए। ये लोग वहां भी पहुंच गए। हम बहुत डरे हुए थे। पता नहीं इन लोगों ने हमारी कैसी तस्वीरें खींची और आप सबके सामने कैसे पेश किया है मुझे नहीं पता, पर हमने कुछ गलत नहीं किया है। पूरब जी ने सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं, मेरी जान भी बचाई है। तो जब आप इनके जान के दुश्मन बन ही गए हैं तो मुझे किसी बात की कोई शर्म नहीं है। मैं इनकी जान बचाने के लिए खुद की जान दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। और पापा, आपने क्यों मुझ पे भरोसा नहीं किया? आज जब मैं सुबह आई थी तो आपने अपनी बेटी पर नहीं, अपने परवरिश पर सवाल उठाए थे। अगर आज आप मुझ पे भरोसा करते तो ये नौबत नहीं आती। पूरब जी ने मेरा साथ तब दिया है जब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ससुरी नींद काहे नहीं आ रही? का करे? उन्हें बात करने वाला भी तो नहीं है। किसको उठाएं? इसको उठाते, लेकिन Yeah.
भाई साहब, भाई साहब बहुत ढूंढा पर कहीं दिखाई ना दे रहे। तेरा मेडल दूं तने? वो बचने नहीं चाहिए, पर वो छोरा जहां दिखे ना पहले उसे गोली मारेंगे, और वो छोरी उसे जिंदा लेके आना है। शादी करूंगा मैं उससे, अपने पांव की जूती बनाऊंगा उसे। तू मेरी बेटी को अपने पांव की जूती बनाएगा? अरे तुझे तो मैं क्या बुड्ढे पर। चलो उन्होंने जीप निकालो अपनी। ए, तुमको दिखाई ना दे ऐसे जाऊंगा मैं। जा कपड़े लेके आ मेरे। ठीक है भाई जी, लेके आता हूँ। वो छोरा छोरी दोनों भागकर शहर की तरफ जाएंगे। सारे रेलवे स्टेशन, सारे बस अड्डे छान मारो। वो छोरा मुझे मुर्दा चाहिए और वो छोरी जिंदा। ये लीजिए भाई, भाई कुर्ता। चलो बैठो। हाँ बैठो बैठो। संग्राम बेटा, संग्राम बेटा, संग्राम बेटा, दिशा ने वापस लिया। मैं आपके साथ हूँ, इसमें उसकी कोई गलती ना है। वो तो बस थोड़ी गुमराह हो गई है। अब आप बस उसको ले आओ, मैं आपकी शादी कराऊंगी ना, मैं मनाऊंगी उसको। चले बल्ली, गाड़ी निकल। वाह क्या आइडिया था। ये लोग हमें हर जगह ढूंढेंगे, पर किसी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हम यहाँ छत पे भी हो सकते हैं। पर ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया, बस मेरे दिमाग में ये था कि आपको कुछ ना हो। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचती। किसी का कुछ पता चला क्या? नहीं बुआ जी, वो उस तरफ तो नहीं गए, शायद सर्कल वाले चौक की तरफ गए। अब इन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि हम ना तो बस स्टॉप पे हैं और ना ही रेलवे स्टेशन पे। अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं एक रास्ता जानती हूँ जो हमें गांव से बाहर निकालेगा। वेरी गुड, चलो। नहीं पर हम लोग जाएंगे कहाँ? इस गांव के आसपास के सारे शहर ये लोग छान मारेंगे और हमें ढूंढ लेंगे। और इस स्टेट में भी रहे तो संग्राम सिंह हमें ढूंढ ही लेगा, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। तुम बस इस गांव से बाहर निकलो, उसके आगे चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। पर जाएंगे कहाँ? मुंबई। बहुत डरावनी आवाज से आ रही थी। अच्छा, हमको तो नहीं सुनाई दी, कहाँ से आ रही थी? वहाँ से आ रही थी। वहाँ से? अरे वर्षा का मौसम है ना, वर्षा होती है तो खिड़की हिल हिल के आवाज करता है, हवा चल रही है ना। आप सो जाइए, कुछ नहीं।
सो जाओ। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मुझे लगता है वही तुम्हारे लिए सबसे सेफेस्ट जगह रहेगी। अगर यहाँ इस संग्राम की पहुंच बहुत ऊपर तक है ना, तो वहां मेरे भाई की पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। और अगर ये संग्राम वहां आ भी गया तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन देखो दिशा, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। जिस तरह तुम मुझे कुछ नहीं होने देना चाहती थी, उस तरह मैं भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे वो दोनों उस बस में होंगे। क्या हो गया? क्या बात होगी जो कोई गाड़ी कहीं तरह लगवा दी? उतर नीचे, चल चल उतरो नीचे, उतरो। चल रहे बाली, अच्छे से निकाल इनको, चल चल बाहर निकलो। जल्दी जल्दी, चल आ जा, जा मेले में ना रखे, जल्दी। अंदर आना है। क्या बात होगी भाई साहब, क्या ढूंढने लाग रहे हो? मैं तो चुप कर रहा है। पहले ये बता कि तेरी बस में कोई छोरा छोरी चढ़े थे जो दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में थे? दूल्हा दुल्हन के कपड़े में कोई नहीं था अंदर। ऐसा तो कोई नहीं था वहाँ पे। बात क्यों होगी भाई साहब, माना भी कुछ बता दो। अब तो वकील लग रहा है कि तने सब कुछ बता दूं, हैं? ना जी। भाई साहब, मरने लगे ऐसा इसने छुपाया दोनों को। हाँ? किसने? मैंने किसी से नहीं लगवाया भाई साहब, आप यकीन ना आवे तो गाड़ी खड़ी भाई साहब, गाड़ी में चढ़ कर देख लो। भाई साहब, छोरा छोरी गाड़ी में ना है, मैंने पूरी गाड़ी चेक कर ली। देख लो जी। ए, चलो सब चलो। ए, चलो बैठो बस में। भाई साहब, हेलो, कुछ पता चला उनका? नहीं भाई जी, पूरा रेलवे स्टेशन छान मारा, वो लोग नहीं है। सोलर ना रेलवे स्टेशन पे, ना बस अड्डे पे है, ना हाईवे पे है। हाँ, एक रास्ता है, वो कच्चे रास्ते से गए होंगे। चल ठीक है, एक काम कर, तू जल्दी से कच्चे रास्ते पे मिल। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, चल चल चलो गाड़ी में बैठ जाओ, चल जल्दी कर। मैंने टेम्पो ड्राइवर्स को बात करते हुए सुना है ये टेम्पो दिल्ली जा रहा है, अगर हम दिल्ली पहुंच गए ना, वहां से मुंबई की फ्लाइट ले सकते हैं। थैंक गॉड आपने बचा लिया, वरना वो लोग तो हमें मंडप में ही जला देते। अरे बचाया तो तुमने है मुझे, और अब तो मुझे लगता है कि वो गाना भी चेंज करना पड़ेगा। कौन सा गाना? खूब लड़ी मर्दानी वो हरियाणा वाली रानी थी।
अब और नहीं रोना, अब रोएंगे वो लोग जो तुम्हें समझ नहीं पाए। उस शहरी छोरे ने ना नाक में दम कर रखा है, मेरी लुगाई ने भरे मंडप से भगा के ले गया। भाई अब तो हो गई वो कड़म कड़ाई, अब तो चाहिए मुझे मेरी लुगाई। मेरी लुगाई? और आज के बाद मेरी किसी बात पे हंसा ना, उस छोरे से पड़े तुझे गोली मारूंगा मैं। उस छोरे को देखते ही ना सिद्ध गोली मार दो। अच्छा अरे अरे ये क्या, तुमने मेरे लिए अपना हाथ जला लिया? आपने भी तो अपनी जान मेरे लिए जोखिम में डाली। पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारा ख्याल आया और अपनी फिक्र भूल गया। ये घर तेरा होता, तू यहाँ की महारानी होती, फिर क्या था? तू रानी बनकर यहाँ पर राज करती, पर वो रॉबिन और उसके नौकरों को ना अपने आगे पीछे घुमाती और उनसे ढेर सारा काम करवाती ऐसे चुटकियों में। क्या मजा आता। गॉड जी, जल्दी से रानी बना दो। देवी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। प्रज्ञा को मिलने आई हो ना? क्यों, मैं आपको मिलने नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? वैसे आप कर क्या रही थी? सपने देख रही थी ना, और सपनों में कहानियां बना रही होगी, है ना? सही पकड़ा, बिल्कुल तुम्हारी पसंद की कहानियां, वो जो तुम बनाती हो ना कहानियां, राजकुमारी और राक्षस वाली। वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हें अपने पसंद का राजकुमार मिला कि नहीं, सपनों वाला? वो तो नहीं मिला, पर इतने सालों में मुझे एक चीज जरूर मिली है। वो क्या? आत्मविश्वास। सबसे पहले तो मैं इस राक्षस को ना अपने पास आने ही नहीं दूंगी, और अगर आप भी गया तो 15 सालों तक कोई राजकुमार का इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद ही उस राक्षस का सामना करूंगी। अरे वाह देवी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जीत भी तुम्हारी और पिया भी तुम्हारे, है ना? बिल्कुल। बातों बातों में पता ही नहीं चला, बहुत लेट हो गया है, मैं चलती हूँ, मैं आपको बाद में मिलूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आना। हाँ ओके बाय। ये सलवार कमीज देखे तो बहुत थे, पर कभी सोचा नहीं थे कि एक दिन इन कपड़ों में हम खुद को देखेंगे। अच्छा है। तो बहुत ही सुंदर है, फिल्म में हीरोइन को पहने देखे थे, पर कभी नहीं सोचे थे एक दिन खुद के कानों में देखेंगे। तुझको ही माना है मैंने अपने खुदा में, शामिल है मुझ में तू जैसे लम्हा खिला हो, मुझको तू मिला है जैसे मौला मिला हो, तेरे खास।